हाय वेलकम टू एन अकेडमी हाय कार्तिक गुड इवनिंग हाय स्नेल सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडिया रिलेशन गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हेलो बजरंगी सो पहले मैं पी डी एफ अपलोड कर लेता हूँ आप लोगों के पास पी डी एफ है Uh, मैंने फेसबुक ग्रुप पे अपलोड कर दिया था वहाँ से अगर आपने पीडीएफ ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है हेलो और अगर पीडीएफ अब तक नहीं मिला है आपको तो प्लीज़ इंतजार कीजिए और क्लास के बाद जो है आप पी ले लीजिएगा ग्रुप से हेलो नितेश सो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पे शो होंगी और आप यहाँ से देख लेंगे ठीक है बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं सिर्फ ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है ठीक है सो so, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो बताना ज़रूरी हैं पहली बात मुझे बताइए कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है वीडियो विजिबिलिटी सही है वॉइस क्लियरिटी है कोई दिक्कत तो नहीं है उधर उस साइड में थैंक यू मेरे तरफ से कुछ प्रॉब्लम है लगता है एक्चुअली सिस्टम सेट नहीं हो रहा है मेरे से खैर चलिए सो so, पहले कुछ चीज़ें बता दें हम लोग स्पेशल क्लास के बारे में थैंक यू सो मच कार्तिक स्पेशल क्लास के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी होती है आपको देखिए स्पेशल क्लास डेली जो है कोई ना कोई एजुकेटर एन एकेडमी पर लेते हैं एक स्पेशल क्लास जो आपके एग्जाम को असिस्ट करने के लिए आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए ये स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं आप इसमें जो है दिन में 12 बजे से डेढ़ बजे के बीच में इनरोल हो सकते हैं इस कोर्स में एक रुपये पेमेंट करना होता है आपको सिर्फ़ एक रुपये इसलिए रखा जाता है ताकि केवल सीरियस कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट करें ठीक है अवॉइड करें हम लोग स्पैमिंग को अवॉइड करते हैं इसके चलते इसको एक रुपये प्राइज़ रखा जाता है मैं अपने बारे में थोड़ी सी बात बता दूँ आपको मैं अन अकेडमी पर वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और मैं पिछले डेढ़ साल से अन अकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर मैंने पढ़ाया है लगभग तीन साल उसके अलावा मैं करंटली अन अकेडमी पर दो कोर्सेज मेरे लॉन्च हैं जो जिसमें से नंबर एक है साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स बेहद इंपॉर्टेंट कोर्स है ये सारे कोर्सेज़ फ़्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं अकेडमी पर आप अन पर मेरा पेज जैसे टाइप कीजिएगा सुधीर गुप्ता लिखिएगा या अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैस सुधीर से ऑफिशली लिखिएगा तो आपको मेरा पेज खुल के सामने आएगा और वहाँ पर आप साइंस टेक्नोलॉजी और डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस अनालिसिस दा हिंदू और अदर जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनको हम लोग कवर करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में एडिटोरियल के साथ उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो एक बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स है हिंदी में हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअली हिंदी में सोर्सेज नहीं होने के कारण मैंने प्लान किया कि आपको साइंस टेक्नोलॉजी के कोर्स हिंदी में प्रोवाइड करूंगा और बेहतरीन कंटेंट में तो साइंस टेक्नोलॉजी का कोर्स है आप देख सकते हैं हम लोगों ने बायो टेक्नोलॉजी पोर्सन ख़त्म कर दिया है वहाँ पर एनर्जी पोर्सन पे हैं ठीक है थीके? और एनर्जी पोर्सन भी आने वाले दो तीन दिन में समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग ऐसे ऐसे मूव करते चले जाएंगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें कवर किए जाते हैं आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसको हमने स्पेशल क्लासेस में एक चीज़ स्टार्ट किया कि हम लोग जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेसन्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट देश हैं जो न्यूज़पेपर्स में हैं या इंस्टीट्यूशन हैं जो न्यूज़पेपर्स में हैं उनको एक क्रोनोलॉजी में कवर करेंगे हमने स्टार्टिंग किया इंडिया मालदीप के रिलेशन से और हमने इंडिया मालदीप के रिलेशनस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा उसके बाद मैंने एक दूसरा लेसन बनाया जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट थियोरीज डिस्कस करी जो इंटरनेशनल रिलेसन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं तो उन थेरीज की बात करने के बाद मैंने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक नए देश को देखते हैं जिसका नाम है सेसल्स बेहद इंपॉर्टेंट है खासा न्यूज में था खासकर जुलाई वगैरह के पास अभी अक्टूबर में भी न्यूज में था एक्चुअली जब इन्होंने एक ब्लू बॉन्ड जारी किया ब्लू बॉन्ड एक एक नवीनतम इनिशिएटिव है जो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया सेसल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है तो अभी उसके बारे में भी समझेंगे पूरे आर्टिकल में पूरे डिस्कशन में बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो चलिए पहले ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या चीज़ समझने वाले हैं सॉवरिन ब्लू बॉन्ड बिल्कुल सही बात है अजनसम आईलैंड वाला इशू है ये भी इंपॉर्टेंट इशू है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना फैक्टर को डिस्कस करेंगे उसके अलावा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इंडिया की ब्लू वाटर डिप्लोमेसी चेंज हो रही है बदल रही है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे क्यों भारत को अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी बदलनी पड़ रही है ब्लू इकॉनमी क्या होती है ब्लू वाटर इकॉनमी क्या होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है सारे स्टेटिक पार्ट और करंट अफेयर्स में दोनों मिक्स करके कवर करता हूँ शिवानी उसमें आप उसमें चेक कर सकती हैं काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बेहतरीन बनाने का जितना करंट अफेयर अपडेट कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि उसमें और चीज़ें अपडेट करूँ आप एक बार कोर्स देखिए उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कितना बेहतरीन कोर्स है खैर तो चलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको ये प्रिलिम्स और मेंस का सिलेबस वगैरह बता दिया था पहले लेसन्स में इससे पहले तो उस पर हम लोग ना जाते हुए सीधे मूव करते हैं इंडिया और सेसल्स के रिलेशन अभी जुलाई में ये आए हुए थे साहब जिनका नाम है डैनी फार ये वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं सेसल्स के और अपने दूसरे तरफ मोदी साहब खड़े हैं तो नाम बताने की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली अरे दीवानो मुझे पहचानो टाइप का नाम है डैनी फार है इनका नाम खैर तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं तो सबसे पहले इंट्रो देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे सेसल्स के बारे में उसके बाद भारत का भारत के द्वारा जो मदद किया गया है ससल्स को ठीक है बहुत सारी भारत ने मदद किया है एन एस तरासा दिया है पी एस टोपा जिनको दिया है हमने डोर्नियर टू जीरो एट दिया है हमने बहुत सारी चीज़ें हमने दी हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे डिफेंस कॉपरेशन की बात करेंगे उसके बाद अजमसन आईलैंड की बात करेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ बाय लेटर रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या इनसे हमारे रिलेशन कभी ख़राब थे या अभी थोड़े से बिगड़े हैं इस सब के बारे में बात करेंगे चाइना फैक्टर की बात करेंगे क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके स्लाइड में अवेलेबल नहीं होगा जो उसको मैंने अभी जोड़ा है वो ये है कि पहला जो सोवरेन ब्लू बॉन्ड जो है लॉन्च करने वाला देश बना है सेसेल्स तो इसके बारे में थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करेंगे इन पैसों का यूज वो कहाँ करने वाले हैं उन सब के बारे में समझेंगे हम लोग उसके अलावा ब्लू इकॉनमी ब्लू वाटर इकॉनमी के में क्या डिफरेंस है क्यों हम लोग लगातार ब्लू इकॉनमी की ओर जोर दे रहे हैं इस पर भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे टाइम जैसा हमें अलाउ करेगा ठीक है यहां पर सेसल्स हैं एक चीज इंपॉर्टेंट है जो जिस हम लोग जिस आइलैंड की बात करने वाले हैं खास अजमसन आइलैंड की बात करने वाले हैं वो आइलैंड एक्चुअली सेसल्स के पास अवस्थित नहीं है यहाँ पे सेसल्स आप देख रहे हैं मैप में लेकिन एक्चुअली एक्चुअली ये यह यहाँ पर अवस्थित है अजमसन आइलैंड ठीक है काफी डिस्टेंस है मतलब ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ ठीक है तो अभी उसकी बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सिसल से है यहाँ पर उसकी राजधानी विक्टोरिया ठीक है यहां पर माहे आईलैंड है एक बहुत इंपॉर्टेंट आईलैंड है ठीक है माहे ऊपर मॉलदीप देख सकते हैं यहां पर डियोगो ग्रासिया ठीक है जिस पर यूएसए का कब्जा है उसके अलावा चाइगोस आकी पिलागो ये यूके का कब्जा है नीचे आप देख सकते हैं री फ्रांस का कब्जा है और और जो है मारिशस जो है वो यहाँ पर ऊपर है ठीक है और नीचे मेडागास्कर है ठीक है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपको जानने की ज़रूरत है अभी कुछ एक चीज़ें हम लोग देखते हैं जैसे कि हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम मैं क्वेश्चन का एक सेशन है जो मैं मतलब एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन के लिए प्रॉपर टाइम दूंगा आप वहां पे क्वेश्चन पूछिएगा अगर बीच में थोड़ा सा पूछ तो कई बार मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ ठीक है तो आप उसके लिए थोड़ा सा मुझे क्षमा कीजिएगा खैर तो यहाँ पर सेसल्स के बारे में आप देख सकते हैं आ, यहाँ पे थोड़ा सा मैप हमने देखा ऊपर मॉलदीव श्रीलंका एक्चुअली इंडियन ओशन में जितने भी कंट्रीज हैं उनका बहुत ज्यादा वर्तमान समय में रिलेवेंस बढ़ रहा है खासकर इंडो पैसिफिक इंडो पैसिफिक अगर बात करें इंडो पैसिफिक रीजन में कौन मतलब इंडो पैसिफिक की अगर बात करें तो कहाँ तक आप पाएंगे कुछ आपको आइडिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में कहां तक माना जाता है इंडो पैसिफिक रीजन है मैं बताता हूँ आपको इंडो पैसिफिक रीजन में आप कवर करते हैं ट्रॉपिकल वाटर टेम्परेट और पोलर रीजन में नहीं जाते हैं एक बात ध्यान रखिए अगर कोई कहे इंडो पैसिफिक रीजन को आप डिफाइन करो कि कहाँ तक इंडो पैसिफिक रीजन होता है तो आप जो है ट्रॉपिकल वाटर जो है इंडियन ओशन का ट्रॉपिकल वाटर जहां तक है उसको टेम्परेट में जाएंगे नहीं मतलब थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री के बीच में नहीं जाएंगे ठीक है जीरो टू थर्टी ठीक है उसमें ट्रॉपिकल वाटर जितने में है ठीक है और उसके अलावा वेस्टर्न सेंट्रल वेस्टर्न सेंट्रल अब इसमें मैप में एक्चुअली है नहीं मैं दिखा नहीं पा रहा वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन ठीक है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का पार्ट नहीं इंडो पैसिफिक रीजन में ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पार्ट नहीं है वेस्टर्न और सेंट्रल पैसिफिक ओशन ही इंडो पैसिफिक रीजन का पार्ट है ठीक है चलिए ये एक चीज हो गई यहाँ पे एक माहि आइलैंड है बेहतरीन यहीं पे विक्टोरिया है जो कि इनकी कैपिटल है और दूसरा जो है वो पार्सलिन आइलैंड है दो इंपॉर्टेंट आइलैंड है दोनों इंपॉर्टेंट आइलैंड का नाम याद रखिएगा यहाँ पे आप जिसकी हम लोग बात करेंगे आगे अजमसन आइलैंड वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा ठीक है वो चूंकि यहाँ पे नीचे है एक्चुअली ठीक है तो आपको इस मैप में नहीं दिखाई दे रहा है खैर तो ये दो आइलैंड जो है याद रखिएगा ठीक है उसके अलावा अब तीन इंपॉर्टेंट चीज है तीन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें इंडियन ओशन में समझने की जरूरत है पहली बात कि हम जो एक इशू चल रहा है अजमसन आइलैंड को लेकर उस पर ही हम इतना स्ट्रक क्यों है हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि हम मेडागास्कर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग लिसनिंग पोस्ट बनाएंगे इंडियन जहाँ पे हम लोग आप अपने कुछ ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लगा सकेंगे कुछ रेडार फैसिलिटी फैकल्टी लगा सकेंगे कम्युनिकेशन फैकल्टी लगा सकेंगे मेडागास्कर में कि वहाँ से अगर हमारी कोई नेवी वगैरह मूव कर रही है या कोई हमारा वेसल मूव कर रहा है ठीक है कोई सिप मूव कर रही है तो उसका हम उस पर हम, हम लोग मॉनिटरिंग कर सकें उसके लिए हम लोग मेडागास्कर के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं ठीक है उसके अलावा एक है एलिगा आइलैंड एलिगा किसका किस देश का पार्ट है आप में से किसी को पता है यस yes, मॉरिशस का है मॉरिशस का पार्ट है मेटागाकर का नहीं मॉरिशस का पार्ट है ठीक है तो अभी जो एक्चुअली एलिगा है इसके साथ भी मॉरिशस में जो है उसके साथ हमने कहा कि हमको एलिगा आइलैंड पे हम लोग एयर स्ट्रिप बनाएंगे और डोकिंग फैसिलिटी फैकल्टी प्रोवाइड करेंगे डोकिंग फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड करेंगे डोकिंग जो जहाँ पे आ, हमारी सिप्स वगैरह हैं वो उनकी जो है मरम्मत हो सके रिफ्यूलिंग करने का काम कर सकें हम लोग देखिए आप भी आपको एक चीज पता होगी मुझे याद आ रहा है एक्चुअली वाइट सिप एग्रीमेंट एक चीज होती है आप में से किसी को पता है वाइट सिप एग्रीमेंट क्या होता है वाइट सिप एग्रीमेंट ग्रे सिप एग्रीमेंट ब्लैक सिप एग्रीमेंट इस टाइप की किस चीजें आपको पता है नहीं पता है चलिए मैं बताता हूं आपको एक होता है बताता हूं देखिए एक होता है अभी अभी हमने मॉरिशस के साथ हमने सॉरी हमने आ, सेसल्स के साथ एक वाइट सिप एग्रीमेंट किया वाइट सिप एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों देश की नेवी जो होंगी वो एक दूसरे देश की जो ओसनिक एरिया हो जो समुद्री एरिया है वहां की इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकेंगी ये हो गया सिपिंग एग्रीमेंट ठीक है अभी एक होता है एक होता है आपका वाइट शिपिंग एग्रीमेंट

ट्रांसफर करती है एक दूसरे एक एक जगह से दूसरे जगह अगर किसी देश के साथ आपने ग्रे शिपिंग एग्रीमेंट किया हुआ है तो आपकी मिलिट्री वेसल्स वहां से गुजर सकेंगी ठीक है और तीसरा जो होता है ब्लैक ब्लैक शिपिंग एग्रीमेंट ठीक है वो एग्रीमेंट एक्चुअली होता नहीं है किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है ठीक है ब्लैक शिपिंग मूवमेंट उसको बोलते हैं एक्चुअली तो ब्लैक शिपिंग मूवमेंट में क्या होता है कि इलीगल पायरेटेड वाली जो पायरेशी वगैरह वाली जो नावें होती हैं या कहीं पे स्मगलिंग चल रहा है अगर वैसी कोई सिप जा रही तो उसको बोलेंगे ये ब्लैक सिप है ठीक है तो ये ब्लैक जो है वाइट और जो है ग्रे में आप थोड़ा सा अंतर जो है जानिएगा तो अभी हम लोग इनके साथ जो है अभी हमने हजार आइलैंड में जो हम लोग करने वाले थे खासकर हमने वाइट एग्रीमेंट किया है अभी 2018 में जब ये आए हैं जुलाई में 2015 में मोदी साहब गए हुए थे एक्चुअली भारत से लोग जाते रहते हैं और इसका इतिहास बड़ा अच्छा है देखिए एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे रिलेशन जो हैं ससल्स के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं ठीक है मैं आपको अगर थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊं तो हमने 1974 में 1976 में जब ये आज़ाद हुआ ब्रिटेन के साथ तो हमने इनके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किया ठीक है और 2000 उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गई और बहुत अच्छे हमने ट्रेड वग़ैरह किया हमने जब ज़रूरत पड़ी तो सेसल्स को हमने मदद किया बहुत सारी चीज़ों से हमने एक्चुअली सबसे ज़्यादा मदद जो हमने किया इनका वो इनको पायरेशी से बचाया डकैती वाली समस्या बहुत ज़्यादा पायरेट्स होते थे इस रूट पे बहुत ज्यादा पायरेशी होती है यहाँ पर यहाँ पर यहां पर भी होती है और इस रूजन में भी होती है बहुत ज्यादा मैं पेन का कलर बदलता हूँ थोड़ा सा ठीक है सोमालिया हाँ बिल्कुल यहां पर बहुत ज्यादा पायरेशी होती है एक्चुअली तो उसके चलते क्या होता है कि ये अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करते कोई भी सामान सामान लेके आए बीच में पकड़ लिया उन लोगों ने सारा लूट टाट लिया उसके बाद जो है बहुत दिक्कत हुई तो अभी इसमें मदद करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि बगल में इतनी पावरफुल कंट्री कौन है भारत है तो भारत ने इनको मदद करने के लिए हमेशा से कदम उठाया ठीक है रिश्ते हमारे प्राचीन काल से ही बहुत अच्छे थे ट्रेड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी हमने लगभग चीजें हम लोग देते थे और बहुत सारे राष्ट्रपति राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष बहुत भारत के जो है वहां पर विजिट किए दो में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति हमारी गई नाइनटीन में जो है इंदिरा गांधी वहां पर विजिट करी 2015 में मोदी साहब वहां पे गए ठीक है तो मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि इसकी कंडीशन जो है मालदीव जैसी नहीं है हमने बढ़िया चीज़ें हमारे झगड़े नहीं जैसे यहाँ अमीन साहब थे वो बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ हमारे रिलेशन इनसे बहुत अच्छे हैं कभी भी झगड़ा नहीं हुआ खासकर अभी देखिए अभी जब जमसन आइलैंड वाला जब मुद्दा हुआ तो कुछ लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि ये डिप्लोमेटिक डिफीट है इंडिया की डिप्लोमेटिक डिफीट बहुत बड़ा टर्म है डिप्लोमेटिक डिफीट ठीक है कहने लगे कि डिप्लोमेटिक डिफीट है इंडिया की कि उन्होंने एजमसान आइलैंड पे एग्रीमेंट किया और बाद में जो है कैंसिल कर दिया गया ठीक है तो बाद में वो जो डिफीट हुई थी वो एक्चुअली फिर से रिन्यू किया गया उसको वो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आए और कहा थोड़ा सा लैंग्वेज बदल गया उस पर बात करेंगे हम लोग आगे कि लैंग्वेज बदल गया कि नहीं पहले कहा कि हम भारत को लीज पर दे रहे हैं ट्वेंटी ईयर्स के लिए लेकिन बाद में क्या हुआ कि लीज नहीं कहा कि हम दोनों देश मिलकर एजमसान आइलैंड पे नेवल बेस डेवलप करेंगे आपको जो ज़रूरत होगी हम आपको मदद करेंगे लैंग्वेज बदल गई एक्चुअली लेकिन चीज़ें ठीक ठाक नहीं डिप्लोमेटिक डिफीट नहीं हुई इंडिया की जब 2015 में मोदी साहब गए थे वहाँ पर जनसन आइलैंड में तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए जैसे कि रिन्यूबल एनर्जी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्टर इंफ्रा में वहाँ के इंफ्रा बनाने के लिए हमने एग्रीमेंट्स किया एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो मैं आपको याद आ रहा है मुझे एक पुलिस एग्रीमेंट हुआ, हुआ पुलिस अकेडमी डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ की जो जो है फ्लाइट्स वग़ैरह में जो एयरपोर्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए हमने यहाँ पर एग्रीमेंट किया खासकर वहां पर ट्रेनिंग दिलवाने के लिए टेलीमेडिसन की जो चीजें हमने बहुत ज्यादा वहां पर इंप्रूव किया एक्चुअली वहां पर हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है विक्टोरिया में जो एक इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को हमने अपने यहाँ के एम्स वगैरह से कनेक्ट करवाया टेलीमेडिसन जब भी उन्हें कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे एम्स से वो आसानी से मदद ले पाते हैं ठीक है तो इस प्रकार की चीजें हुई हमने सिपिंग में बहुत सारे एग्रीमेंट किए दो में ठीक है अगर उसी क्रम में मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊं कि और क्या क्या चीजें करी हमने और भी मैं कुछ और उदाहरण बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि बहुत अच्छे रहे हैं के साथ रिलेशन जैसे कि हमने 2014 में इनको हमने दिया आईएनएस तराशा ठीक है आईएनएस तराशा दिया हमने ठीक है 2014 में इसको उन्होंने अपने जो है नेवी में शामिल किया नाम बदला इनका पीएस कंटेंट करके इनका नाम किया गया पीएस कंटेंट इसका नाम किया गया 2006 में इससे पहले भी हमने एक आईएनएस दिया था उसका नाम था पीएस टोपाज ठीक है इसके अलावा हमने आ, सर पीडीएफ एक्चुअली ये स्लाइड अगर मैं असल में ऐड नहीं कर पाया था पी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं फेसबुक पेज पर आप फेसबुक पे आप ज्वाइन कर लीजिए आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और जब ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आप पर आपको पी मिल जाएगा एक्चुअली एक जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही कुछ स्लाइड इसमें ऐड नहीं है जो मैं बता रहा हूँ मैं एक बार फिर से एक और ऐड कर दूंगा तो आप दोनों स्लाइड यूज़ कर लीजिएगा दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा आपको इंपॉर्टेंट जितनी भी नए मैंने अपडेट किए हैं विद इन थर्टी थर्टी मिनट्स थर्टी मिनट्स पहले मैंने ऐड किए थे कुछ चीज़ें तो वो सारी चीज़ें शायद आपको ना मिले तो मैं उसको फिर से अपलोड कर दूंगा आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी हालांकि लगभग चीज़ें हैं इसमें डोंट वरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है ओके तो आई एन तराशा अभी 2013 की अगर बात करूं 2006 की हमने बात करी हमने क्या दिया पी एस टोपास दो, तो दो हमने क्या दिया हमने दिया जो है आई तराशा ठीक है जिसे पी कंटेंट के तौर पे नाम रखा गया 2013 में हमने इनको कुछ दिया था एक हमने रेस्क्यू विमान दिया था जिसका नाम था ड्रोनियर 228 ठीक है क्या दिया हमने 2006 में 2006 में हमने दिया पी एस टोपास दो में हमने दिया पी एस कंटेंट 2013 में हमने दिया क्या ड्रोनियर 228 एक प्रकार का खोजी विमान था उसके अलावा हमने इनकी तटीय प्रणाली जो इनकी जो कोस्टल लाइन है उसको मजबूत करने के लिए हमने प्रोवाइड किया इन्हें रडार फैसिलिटी एक रडार परियोजना भी स्टार्ट करी गई दो में जब मोदी साहब गए वहां पर ठीक है तटीय निगरानी रडार परियोजना ठीक है सिस्टम एक जो है हमने दिया 2015 में आ, इनको ठीक है ओके okay. तो 2015 में ये सारी चीजें हो गई ओके okay. अभी कुछ और चीजें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर वो सारी स्लाइड जो है आ, लिखी हुई हैं सेकेंड ड्रोनियर एयरक्राफ्ट हमने प्रोवाइड किया उनको फर्स्ट ड्रोनियर प्रोवाइड एयरक्राफ्ट 2013 में हमने दिया ठीक है इसी प्रकार हमने इंटरसेप्टर बोट भी प्रोवाइड किया था इनको एक जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ ठीक है क्रेडिट लाइन की हंड्रेड मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया गया अभी ये चीज है जो ये हंड्रेड मिलियन वाला कॉन्सेप्ट है ये टू में हुआ एक्चुअली टू में एक्चुअली हुआ ये जब डैनी फॉर जो अभी आए हुए जो अभी फोटो मैंने दिखाया था ठीक है अरे दीवाने वाला वो वाला जो फोटो है एक्चुअली वो भारत आए हुए हैं ठीक है अभी जुलाई में ठीक है उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ उसमें सौ मिलियन जो है हमने इसमें देने की कोशिश करी अच्छा अभी मैं थोड़ी सी चीज बताता हूं अभी लौट के आते हैं हम लोग थोड़ा सा आ, पहले वाले स्लाइड पे जो हमारा रह गया था ठीक है लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप इतना तक उधारी हमसे ले सकते हैं ठीक है सौ मिलियन डॉलर तक का आप उधारी भारत से ले सकते हैं खासकर और उसमें एक क्लॉज एक जोड़ा गया क्लॉज में ये था कि डिफेंस इक्विपमेंट के लिए अगर आप यहां पे पढ़ें मैं मैं बैग जाता हूं पहले आप इसमें पढ़ें तो इसमें लिखा होगा फ्री नहीं है मैम वो फ्री नहीं है बिल्कुल फ्री नहीं है फ्री नहीं है एक्चुअली आप उधारी एक होता है क्रेडिट एक होता है ग्रांट ग्रांट में आप उधारी देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट में आप कम दामों में उन्हें लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ठीक है सॉफ्ट लोन होता है ठीक है सॉफ्ट लोन में क्या होता है भाई कि आप जो है एक परसेंट या दो परसेंट पर आपने को लोन दे दिया अच्छा आज एक साल दिया आपको मैंने पांच साल के ले दिया आपको कह देते हैं चलो आप दस साल के ले ले जाओ ठीक है इस टाइप की सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट में ठीक है तो अभी हमने इनको ग्रांट भी प्रोवाइड किया हुआ है एक्चुअली 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 हमने हाँ ठीक है एक्चुअली हमने इनको ग्रांट भी प्रोवाइड किया था तकरीबन फिफ्टी मिलियन डॉलर का हमने ग्रांट प्रोवाइड किया हुआ actually है है एक्चुअली इनको ठीक तो वो ग्रांट में हम पैसा वापस नहीं लेते एक्चुअली लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में उनको पैसा वापस करना पड़ता है खैर तो हमने सौ मिलियन का दिया इनको और क्या दिया यहां पर यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट कि डिफेंस इक्विपमेंट वो भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकते हैं सौ मिलियन डॉलर तक का ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी उसके अलावा फाइनेंस सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जैसा कि मैंने बताया कि जो पुलिस है, पुलिस को इंप्रूव करने के लिए जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है एक पुलिस एकेडमी भी वहां पर ओपन कर रहा है भारत खैर लॉर्ड के आते हैं पहले स्लाइड पर जो हम लोग देख रहे थे एक्चुअली हम लोग आगे बढ़ गए अभी मैं इसके बाद आइलैंड का इशू बताऊंगा आपको यहां पर कुछ चीजें दी हुई हैं जैसे कि ससस के बारे में कुछ बेसिक बातें दी हुई हैं जैसे कि ये जो है तकरीबन 115 ये ये जो तीन यहाँ पे आइलैंड है इनका प्लीज़ नाम आप याद रखिएगा एजमसन एलिगा और मिर्डा गास्कर में एक 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 आइलैंड है एक्चुअली मैं उसका नाम भूल रहा हूँ बड़ा टिपिकल नाम है उसका एक्चुअली मैं कोशिश सर्च करके आपको इन्फॉर्म कर दूं तो वो तीसरा भी एक आइलैंड है उसको भी आप याद रखिएगा तीन आइलैंड है जिसके साथ भारत लगातार एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है या उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि भारत चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन में जो चाइना का लगातार प्रेजेंस बढ़ रहा है उसको काउंटर किया जाए उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन ओशन का इतना ज्यादा महत्व है इतना ज्यादा महत्व कि कोई भी देश इंडियन ओशन को छोड़ना नहीं चाहेगा अगर मैं आपको गिनाऊं कि इंडियन ओशन का क्या क्या महत्व है तो कुछ पॉइंट हम लोग गिन सकते हैं ऐसे पॉइंट वाइज देखिए एक तो पहली बात एनर्जी रिजर्व बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा एनर्जी रिजर्व है आप गैस हाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पा सकते पास हैं आप नेचुरल गैस बहुत ज्यादा मात्रा में पा सकते हैं यहाँ पर आप यहीं पे फोर्टी परसेंट जो है नेचुरल गैस का जितना ट्रेड होता है वो इंडियन ओशन के रूट से होता है फिफ्टी फाइव परसेंट ऑयल जो ट्रांसमिट होता है पेट्रोलियम जो ट्रांसमिट होता है वो इंडियन ओशन रूट

ठीक है तो तो अभी जब दो बड़े-बड़े देश अपना गेम खेल तो भारत पीछे रहे हैं भारत अगर आपका प्रॉपर सर्विलांस नहीं होगा आप प्रॉपर निगरानी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली अगर इंडियन ओशन में तो दिक्कत क्या होगी कि आपके प्रोडक्ट जो है हो सकता है इसी पायरेट्स जो इनकी बात करी सोमालिया के आसपास जो पायरेट्स हैं उनको उनके हाथ लग जाए और फिर आपका सामान आपके यहाँ पहुंचे ठीक है उसके अलावा जिनका भी आईलैंड पर जो है, कि पर भारत का, जो है 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 मान सपोज कीजिए कि आइलैंड आइलैंड पर भारत भारत का एक पे ने कुछ बना के रखा है, अपना कोई नेवल बेस वगैरह बना के रखा है आप बगल में देखिए तो यहां पर आप पाएंगे कि यहां पर री आइलैंड है यहां पर डियाग, डियागो ग्रासिया है ठीक है तो ऐसे छोटे छोटे यूके, यूके यूएस और फ्रांस आर लेडी अवस्थित हैं लेकिन भारत यहां पर कहीं अवस्थित नहीं है भारत बहुत दूर है अगर भारत यहां पर अपना कोई आइलैंड बना अपना कोई नेवल बेस बना लेता है तो इनके साथ एक बराबर लेवल पे आ जाएगा एक समान स्तर पे आ जाएगा कि हाँ भाई तुम हमें इंफॉर्मेशन शेयर करो मैं अजमसंग के पास जो भी एक्टिविटी होगी उसका इंफॉर्मेशन तुम्हें शेयर करूंगा तो वो आपको देने के लिए बाध्य हो जाएंगे क्योंकि उन्हें आपसे भी इंफॉर्मेशन लेनी है ठीक है तो जब आपको बराबरी पर रहना होता है तो जरूरी है कि आपके पास कोई बेस हो और बेस कैसे आएगा ऐसे ऐसे आइलैंड से आएगा जैसे कि हमने मेडागास्कर, अलीगा अजमसन में देखा ये जब हमारे पास ऐसे आइलैंड होंगे तभी हम उनके साथ एक बेंच पर बैठ के बात कर सकेंगे उनके साथ नेगोशिएट कर सकेंगे वरना हमें उनकी बात माननी पड़ेगी क्यों क्योंकि हमारे पास कोई बेस नहीं होगा ठीक है उसके अलावा गोल्ड की स्मगलिंग वगैरह होती है बहुत ज्यादा ठीक है पायरेसी बहुत ज्यादा होती है यहां पे माइग्रेंट्स बहुत ज्यादा आपके देश में अगर आप प्रॉपर सर्विलांस नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि कहीं दूसरे देश से कोई माइग्रेट आ रहे हैं बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है देशों में तो वो बढ़ जाए आपके देश में तो उसको रोकने के लिए आपको इंडियन ओशन में आपको जो है मजबूती के साथ पैट बनाना होगा हथियारों की सप्लाई होती है बहुत ज्यादा अगर हथियारों की सप्लाई बहुत ज्यादा होती रहेगी तो आपके देश में सिक्योरिटी आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा होंगी ये अगर आप इंडियन ओशन में बेहतरीन सर्विलांस रखे होते तो कैसे आपके यहाँ मुंबई वाला हमला हुआ होता नहीं होता छब्बीस ग्यारह ठीक है तो ऐसी टाइप की चीजें नहीं होंगी जब आप प्रॉपर सर्विलांस आप प्रॉपर ऐसे ओशन में अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे ठीक है उसके अलावा बहुत सारी पॉइंट्स जिसको हम लोग आप यूज कर सकते हैं लेकिन बस अभी पर 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 इसको इसको यहीं यहीं समाप्त करते हैं इसको पर रोकते हैं रोकते आगे बढ़ते हैं ठीक है मतलब मैं इंपॉर्टेंट समझा रहा था इंडियन ओशन का हालांकि हमारे पार्ट में नहीं था लेकिन मैंने एक्चुअली समझाया आपको कि इंडियन ओशन का बहुत ज्यादा महत्व है जिन्होंने कब्जा किया वो राजा बन गए टाइप की चीज है इंडियन ओशन में ब्रिटेन ने कब्जा किया था वो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आज तीन देशों के बीच में लगातार इंडियन ओशन में खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार अव्वल बनने का होड़ चल रहा है खैर रिपब्लिक ऑफ सेस के बारे में देख सकते हैं एक आइलैंड है यहाँ पर ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको एक इम्पॉर्टेंट कछुआ है जो पाया जाता है नाम है एल्डाब्रा जो एक कछुआ है पाया जाता है यहाँ पर बहुत बड़ा मतलब आ, है एक आ, बहुत ज्यादा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो ये यह यहाँ पर पाया जाता है इसका नाम अगर कोई पूछ ले तो आप बता दीजिएगा ठीक है ओके okay. उसके अलावा मॉर्नी मॉर्न जो मैंने बताया आ, सेसोलोइस नेशनल पार्क जो है यहां पर अवस्थित हाँ सेसलोइस से याद आया एक्चुअली कहीं क्वेश्चन पूछा गया था कि यहां पे कौन सी करेंसी चलती है एक्चुअली आप में से किसी को पता है कि सेसल्स में कौन सी करेंसी चलती है चलो कोई नहीं विक्रम डोंट वरी मैं बताऊंगा भूल गया चलो ठीक है सेसलोइस रुपीज चलती है यहां पर ठीक है इंडियन रुपीस नहीं चलती है रुपीस उसमें भी है रुपया उसमें भी है लेकिन रुपीज है उसमें एक्चुअली ठीक है तो नाम मत भूलिएगा में दिनार टाइप का दे देते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं। तो आपको नहीं है।, नाम है, कि यही यहां पे चलती है अगल बगल कौन कौन से देश है और एक है मेडागास्कर रियूनियन ये भी फ्रांस का टेरिटरी है ये दोनों फ्रांस के टेरिटरी यहां आप याद रखिएगा ठीक है और सॉवरन अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे स्मॉलेस्ट जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो देश है वो है आपका सेसल्स ठीक है उसके अलावा कुछ और डाटा यहां पे मैंने इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए ये कुछ अलग और और कंट्रीज हैं जैसे कि मैंने बताया एक दो कंट्री वेस्टर्न सहारा वेस्टर्न वर्दे एक कंट्री केप वर्दे जो है एक जो पार्ट है अफ्रीका का वो भी अफ्रीका में ही है थे। उसके अलावा यहाँ पे ये जो दिया हुआ है एक्चुअली ये दिया हुआ है पॉपुलेशन वाइज ठीक है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अफ्रीका में नाइजीरिया में है इथोपिया फिर इजिप्ट फिर उसके बाद फिर कांगो में है फिर साउथ अफ्रीका में इस प्रकार की चीजें हैं आप जो है पॉपुलेशन वाइज देख सकते हैं इस साइड में और कुछ देश जो हैं जिनको एक्चुअली हम कन्फ्यूज कर सकते हैं कि यार ये अफ्रीका में है कि एशिया में उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं चलिए ओके ठीक है अभी यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई है कि सेसल्स किन किन कंट्री किन किन जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसका मेंबर है क्वेश्चन इससे निकलता है प्रलेंस में क्वेश्चन इससे निकलता है ध्यान से देख लीजिए अफ्रीकन यूनियन का इंपॉर्टेंट मेंबर है अच्छा एक इंपॉर्टेंट ट्रिटी है जो अफ्रीकन यूनियन ने अपने बीच में बना के रखी है यूरेनियम को एक्सपोर्ट से यूरेनियम के एक्सपोर्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट ट्रिटी है जो अफ्रीकन कंट्रीज ने अपने बीच में बना के रखा है यूरेनियम के एक्सपोर्ट को लेकर वो ट्रिटी का नाम क्या है आप में से किसी को पता है आप में से किसी को पता है नहीं पता है चलिए मैं बताता हूं उसका नाम है पेलिडाबा ट्रिटी ठीक है ट्रिटी बदलता हूं ठीक है पेलिंडाबा ट्रिटी एक इंपॉर्टेंट ट्रिटी है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में है जिन्होंने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ है उनको यूरेनियम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ठीक है तो ये मैंने एक बार बात किया था दिंदू हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में उसके अलावा Uh, मैं जब इंडिया मालदीप रिलेशन बता रहा था तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था खैर तो पहले इंडावर ट्रिटी एक इंपॉर्टेंट ट्रिटी है जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में है अफ्रीका uh, यूनियन का मेंबर है ये साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी का भी मेंबर है सेसल्स कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है यूनाइटेड नेशन का पार्ट है 1976 में यूनाइटेड किंगडम से आज़ाद हुआ और उसके बाद से भारत के रिलेशन इनके साथ सही हैं ठीक है थीके? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आप यहाँ से देख सकते हैं uh, यहाँ पे कौन सी इथनिक ग्रुप है ये इसके बारे में थोड़ा सा डाटा दिया हुआ है आप देख सकते हैं आ, यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश भाषा का यूज किया जाता है ठीक है सबसे ज्यादा उसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है के बारे में दिया हुआ है कौन इथनिक ग्रुप यहाँ पे रहते हैं कौन कौन कम्युनिटी रहते हैं ये प्रम्स में निकल जाता है तो आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे इंडिया का रिलेशन भी बात कर ली कि कैसे हमने क्या क्या चीजें हमने इनको दिया हुआ एन एस तरासा वगैरह की बात कर ली ड्रोनियर टू जीरो ट की हमने बात कर ली उसके अलावा पी एस टोपास की हमने बात करी वो सारी चीजें हमने बात कर ली है सारी स्लाइड भाई लौट के आ रहे हैं जो हमने अब तक पढ़ा क्या चीजें समझ में आ रही हैं जरा मुझे इन्फॉर्म कीजिए क्या चीजें समझ में आ रही हैं क्या जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं वो चीजें सही है? हैं बढ़िया बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच ऐसे रिस्पॉन्स करते रहिए ठीक है बढ़िया चलिए डिफेंस कॉपरेशन की हमने बात करी कि बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को रोकने के लिए हमने बहुत मदद करी है इनकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने एक चलिए थैंक यू सो मच पदमाकर ओके डिफेंस कॉपरेशन को लेकर हमने बात करी कि आ, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा पायरेशी होती है सोमालिया रीजन में ड्रग सप्लाई ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल लीगल एक्सप्लाटेशन ठीक है इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा ओशनिक रिसोर्स की एक्चुअली ये छोटे देशों की एक बहुत बड़ी समस्या है वो ये कि एक्चुअली इन देशों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है कि वो जो उनके अगल बगल बा, आजू बाजू भी अगर कोई रिसोर्स है तो उसका यूज कर पाएँ उसको एक्सट्रैक्ट कर पाएँ वो नहीं इनके पास ऑप्शन होता है एक्चुअली एक बार टेक्नोलॉजी नहीं होती बड़े देश आके कब्जा कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने घर लेके चले जाते हैं ठीक है तो ओसनिक एक्सप्लाटेशन जो लगातार उसने ओसनिक रिसोर्स है वहाँ पर जो समुद्री रिसोर्स हैं बहुत सारे रिसोर्स हैं जिसमें से एक मैंने आपको बेहतरीन उदाहरण बताया था पॉली मेटालिक नोड्स एक चीज मैं बताना भूल गया था जब मैं आपको इंडियन ओशन की इंपॉर्टेंस बता रहा था तो मैंने एक चीज मिस किया वहां पर मिनरल्स रिसोर्स तो बताया मैंने जिसमें कि मैंने आपको बताया कि गैस पाते हैं पेट्रोलियम पाते हैं वहां पर मिनरल्स भी पाते हैं इंडियन ओशन में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल पॉलीमेटालिक नोड्यूल ठीक है पी एम एन पॉली मेटालिक नॉड्यूल बेहद इंपॉर्टेंट इसमें तकरीबन मुझे याद है कि तकरीबन 18 या 19 जो है अलग अलग प्रकार के मिनरल्स इसमें होते हैं एक जिसको भी बोलते हैं और है, 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 बहुत, बहुत बहुत, बहुत, दा बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है इंडियन ओशन में लेकिन लेकिन दिक्कत क्या है अभी इंटरनेशनल अथॉरिटी ने भारत को पंद्रह साल के लिए लीज पर दिया कि आप इंडियन ओशन से पॉलीमेटालिक नॉड्यूल एक्सट्रैक्ट कर लीजिए ठीक है लेकिन एक्चुअली बात दिक्कत है कि पॉलीमेटोलिक नोडल्स जो होते हैं वो सी सरफेस पे होते हैं मान सपोज कि ये सी है तो उसके सरफेस पे ये पाए जाते हैं एकदम नीचे निचले वाले पार्ट पे पाए जाते हैं पॉलीमेटोलिक नोड्यूल्स तो अभी उसको एक्सटैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हालांकि भारत कोशिश कर रहा है कि उसको कैसे भी करके एक्सटैंड करे लेकिन एक बेहद बेहद ज़्यादा खर्चीली टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसमें हम लोग उसको निकालने में इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सटैक्ट नहीं कर पाते और ख़ासकर ऐसे देश जो बहुत छोटे से देश हैं जिनके वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है ना पैसे है

अजमसन आइलैंड का जब डील हुआ तो उसके बाद भारत की जो सॉफ्ट छवि थी वो थोड़ी प्रभावित हो गई सेसल्स के लोगों के नजरों में एक्चुअली हुआ ये कि सेसल्स के जो लोग थे उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने विरोध किया फिर विपक्षी पार्टियां आई उन्होंने कहा कि आप एजमसन आइलैंड पे नेवल बेस मत बनाइए क्यों मत बनाइए क्योंकि हम भारत और चाइना के झगड़े के बीच में पढ़ना नहीं चाहते हैं एक्चुअली भारत और चाइना के झगड़े के बीच में पढ़ना नहीं चाहते हैं जो दोनों ग्रेट गेम खेल रहे हैं दोनों एक रेवलरी हैं एक दूसरे के एक दूसरे के दुश्मन हैं टाइप का मतलब एक्चुअली दुश्मन नहीं हम ट्रेड करते हैं लेकिन इस सभी मामलों में हम लोग एक दूसरे का मतलब काउंटर करने की कोशिश करते हैं उन्होंने स्ट्रिंग ऑफ अपल्स की जो है पॉलिसी लेकर आए तो हम लोग नेकलेस की पॉलिसी लेकर आए अभी बात करूंगा हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि नेकलेस की पॉलिसी क्या है भाई इंडिया की बात करेंगे उस पर भी ठीक है तो अभी हम लोग काउंटर कर रहे हैं ना तो वो कह रहे हैं कि अगर हमने चाइना को नहीं दिया तो चाइना नाराज हो जाएगा हमने भारत को नहीं दिया तो भारत नाराज हो जाएगा हम भाई दोनों को नहीं देंगे हम किसी के पचड़े में पड़ेंगे ही नहीं एक्चुअली ठीक है अगर हम इस बीच में पड़ गए ना तो हम ही पीसे जाएंगे पीसा चाइना नहीं जाएगा ना भारत जाएगा दिक्कत होगी तो दिक्कत होगी सिर्फ भारत को को दिक्कत होगी ठीक है तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं आप नेबल बेस यहां पे मत बनाइए अपने हथियार यहां पर रखने का जो आपका सपना है उसको मत फुलफिल कीजिए तो अभी जब वहां के लोग की निगेटिव छवि बन गई एक्चुअली कि यार ये तो यहां पे ये करने वाले हैं अभी हम अब यहाँ पे नेबल बेस बनाएंगे हो सकता है कुछ लोग भी आए तो उनके जॉब भी लेना स्टार्ट कर दें तो बहुत निगेटिव छवि बन गई भारत की वहां पर अब उस निगेटिव छवि को पॉजिटिव छवि में बदलने के लिए भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया भारत दो में जब डैनी फॉर भारत आए तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स किए इन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट में पहला इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था कि गोवा और विक्टोरिया को साथ साथ डेवलप करने की कोशिश करेंगे गोवा और विक्टोरिया को साथ में डेवलप करेंगे ठीक है गोवा और विक्टोरिया को साथ में डेवलप करेंगे दूसरा बात था कि हम लोग 2021 तक 2021 तक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं आपकी संस्कृति हमारे यहां हमारी संस्कृति आपके यहाँ जाए हम दोनों की संस्कृति को समझें और प्रमोट करें आपको मैं बता दूं कि जितनी आबादी सेसल्स की है उसमें आठ परसेंट इंडियंस रहते हैं भारतीय मूल के लोग रहते हैं मतलब काफ़ी जो है लोग वहां पर रहते हैं ठीक है मॉरीशस अगर आप कभी जाने का मौका पाइए मॉरीशस अगर आप जाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ तो मिनी इंडिया ही एक्चुअली कहते भी हैं एक्चुअली मिनी इंडिया क्योंकि वहां पर आपको हिंदी भाषी लोग मिलेंगे और पूछेंगे आ, एक अगर जीप जिपलाइन वगैरह करने जाइए तो आप पाएंगे वहां पर लोग आपसे पूछेंगे कैसा लगा सर आपको कैसा लगा मेरा देश टाइप का इस टाइप का हिंदी में बोलते हैं खाना खिलाते हैं हिंदी में खिलाते हैं बहुत ज़्यादा हिंदू है वहां पर हिंदू धर्म वहाँ पे शंकर जी की मूर्ति आप पाएंगे कृष्णा की मूर्ति पाएंगे बहुत आप मतलब ढेर सारे इंडियन गॉड्स के टेम्पल्स पाएंगे तो ये रीजन्स भी वैसे ही हैं काफ़ी हद तक हालांकि मॉरिशस जैसा तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक प्रभावित है ओके चलिए हाँ हाँ हिंदी सभा अभी हुआ था एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद है लेकिन हुआ था यही कहीं बीच में खैर तो अभी ये सारी चीजें हो रही हैं अभी मैं आपको बता रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए 2018 में जब डेनिफ और भारत आए तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट किया जिसमें से एक व्हाइट सिपिंग एग्रीमेंट की मैंने बात कर दी व्हाइट ग्रे और सारी चीजें मैंने बता दी आपको इलीगल कैसे होता है ब्लैक क्या होता है व्हाइट uh, जो है सिपिंग एग्रीमेंट क्या होती है चीजें मैंने बता दी वो हुई एक चीज दूसरा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम किया तीसरा हमने गोवा को विक्टोरिया के तौर पर डेवलप करेंगे वो चीज़ें हमने समझ ली और 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 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने हंड्रेड मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया इनको हंड्रेड मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया का मतलब ये है कि हम अब वहाँ पर डिफेंस उनकी डिफेंस उनकी पुलिस फोर्सेस उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उनके डिफेंस को ठीक है मजबूत करने के लिए पैसे दे रहे हैं तो अभी जब वहां पर पुलिस अकेडमी खुलेगी वहां की एयरपोर्ट डेवलप होगी वहां की जो जो पुलिस फोर्सेस वहां की जो आर्मी है वो मजबूत होगी तो लोगों के बीच में एक पॉजिटिव इमेज जाएगा कि हां भारत एक ऐसा देश है जो हमारे लिए ये सारी चीजें कर रहा है चाइना का बहुत निगेटिव

आइलैंड को लेकर कि नहीं उसको नहीं बनने देंगे वो जो है छवि कम होएगी और जो दो अभी अट्ठारह में जो एग्रीमेंट हुआ एक्चुअली जब ये डेनिफोर भारत आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा विवादित पॉइंट ये था जिसको लेकर हम लोग कह रहे थे कि ये डिप्लोमेटिक डिफीट है इंडिया की वो था कि एक्चुअली डेनीफॉर ने एक बात कही थी कहते थे ये कि भारत जब हम जाएंगे तो अजमसन आइलैंड पर कोई वार्ता नहीं होगी साफ साफ शब्दों में लिखा था कि कोई डायलॉग नहीं किया जाएगा अजमसन आइलैंड को लेकर ठीक है भारत जाएंगे एग्रीमेंट करेंगे उधारी लेंगे लेकिन अजमसन पर कोई बात नहीं करेंगे चुप्पी साध के रखेंगे लेकिन जब वो भारत आए तो एग्रीमेंट हुआ और कहा गया भाषा बदली थी एक्चुअली भाषा बदली थी पहले नेवल बेस जो है हमको ले रहे थे लीज पर लेकिन अब भाषा बदल चुकी थी भाषा बदल ऐसे चुकी थी कि कहा गया कि अब हम नेवल बेस भारत को लीज पर नहीं दे रहे हैं बल्कि हम दोनों ने भी मिलकर इसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे आपको डोकिंग आपको फैसिलिटी फैसिलिटी मिलेगी मिलेगी एयर स्टिप मतलब होता है एरोप्लेन को लाया और वहां से लैंड करवा इस टाइप की चीज ठीक है तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे वहां पर इस प्रकार की चीजें करेंगे लेकिन एक बार जब चीजें आपके पास स्थिर एक बैठने का जगह हो जाता है तो आप चीजें धीरे धीरे मेंटेन कर लेते हैं ठीक है ठीक है तो अभी ये बात समझ में आई कि कैसे जो हंड्रेड मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट हमने दिया इसका क्या बेनिफिट है इसका बेनिफिट ये है कि भारत की एक पॉजिटिव छवि बन जाएगी सेसल्स में ठीक है और उसके बाद हम लोग एग्रीमेंट करते चले जाएंगे ठीक है तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छा अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहीं पर आ, आ, जो बॉन्ड की बात कर रहे थे ब्लू बॉन्ड की बात करने वाले चीज़ें समझ में आ रही ना, है ना एक्चुअली बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच पदमाकर थैंक यू सो मच चंदनी चांदनी थैंक यू सो मच विक्रम स्नेहल चलिए कार्तिक एक चीज बताइए अभी हम लोग बात करने वाले हैं ब्लू बॉन्ड की ठीक है, है ब्लू बॉन्ड इंपॉर्टेंट है समझना ज़रूरी है ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि एक पर्चा होगा एक पेपर होगा छोटा सा उसमें लिखेंगे कि भाई ये हमारी तरफ से ये मोहर लगाएंगे दस्खत लगाएंगे क्योंकि ये सौ रुपए का बॉन्ड है आप इसको खरीदिए हमको सौ रुपए दीजिए इतने साल तक का बॉन्ड है जब ये मेच्योर हो जाएगा तो आपको मैं सौ रुपया वापिस करूंगा प्लस इस पर इंटरेस्ट भी आपको दूंगा और इंटरेस्ट क्या होता है हाई इंटरेस्ट होता है एट परसेंट टेन परसेंट इस टाइप का इंटरेस्ट होता है एक्चुअली इंटरेस्ट डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर जो कंट्री पावरफुल होते हैं वो इंटरेस्ट कम देते हैं क्योंकि उनके बॉन्ड को डूबने की जो शंका होती है वो बहुत कम उनके बॉन्ड के डूबने की शंका कम होती है यूएस यूएस का जो बॉन्ड होता है वो एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा डूबने की शंका बहुत कम होती है एक्चुअली उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रिस्क नहीं होता है एक्चुअली वापस लौटने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसके चलते वो कम जो है इंटरेस्ट रेट देते हैं दूसरी तरफ आप देखिए मॉरिशस या मॉलदीप जैसे देश या अफ्रीकन कंट्रीज जैसे देश जो हैं उनके बॉन्ड की जो है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है उनके पैसे डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इसलिए जो है वो आ, उनमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता तो है तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है इंटरेस्ट तो मिल रहा है कम से कम ज्यादा नहीं डूबेगा तो पैसा वापस आ जाएगा और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे यूएस की तुलना में लेकिन ज्यादा से फेल करते हैं आप यूएस चाइना या फिर इंडिया के बॉन्ड्स में इंडिया का बॉन्ड यूएस की तुलना में कम है मूडी वगैरह का रेटिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बात करते हैं तो अभी उसी कॉन्सेट पर एक बॉन्ड लॉन्च किया सेसल्स ने सेसल्स ने क्या नया किया क्या नया किया इन्होंने नया ये किया कि इन्होंने ब्लू बॉन्ड जारी किया ब्लू बॉन्ड किस लिए जारी किया ब्लू बॉन्ड एक्चुअली मैं बताऊं इनका 90 परसेंट इकॉनमी फिशिंग से चलता है और जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो टूरिज्म वगैरह से चलती है फिशिंग और टूरिज्म इनकी इकॉनमी के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर हैं अब चूंकि फिशिंग बहुत ज़्यादा होती है एक्टिविटी फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है टूरिज्म बढ़ रहा है ठीक है टूरिज़्म बढ़ रहा है फिशिंग ज़्यादा हो रही है फिशिक ज्यादा हो रही तो अब उसको रोकने के लिए सस्टेनेबल करने के लिए ठीक है एक बात और जो टूरिज्म ज्यादा हो रही है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 2011 के बाद मसाला बॉन्ड एक अलग बॉन्ड है जो इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से लॉन्च किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट वगैरह में या यूके वगैरह में ठीक है भारत की तरफ से भारतीय कंपनियां जब लॉन्च करती हैं ठीक है इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं कि मसाला में इन्वेस्ट करने के लिए आप बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है भारतीय कंपनियों को पैसे की जरूरत होती है तो वो इंडिया के नाम पर इंडिया में चूंकि ये सारी चीजें रूपी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है एक्चुअली ये जो मसाला बॉन्ड है एक्चुअली रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है तो जो है आप फॉरेन मार्केट्स में जो है आप पैसा अगर आपको उगाही करनी है तो आप मसाला बॉन्ड जारी कर सकते हैं इकोनॉमी का टर्म है कभी मौका मिलेगा तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे ठीक है चलो अभी आ, हम लोग थे कि ब्लू बॉन्ड की बात कर रहे थे तो ब्लू बॉन्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ब्लू बॉन्ड की वो है कि ये बॉन्ड इसलिए जारी किया जा रहा है क्योंकि हमें वहाँ की जो इकॉनमी है जिसमें मैरिड जो मारिन समुद्री इकॉनमी है टूरिज्म है उसको प्रमोट कर रहा है ठीक है तो मतलब समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे जो है जो समुद्र में जो जो जीव जंतु रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है ताकि टूरिज्म प्रमोट हो लोग देखने आए लोग बीच पे जाए लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएँ तो उसको प्रमोट करने के लिए ब्लू बॉन्ड जारी किया गया तो ये उदाहरण है उन देशों के लिए उन देशों के लिए उदाहरण है जो इस प्रकार के छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बने हैं जैसे कि मालदीव हुआ ठीक है जैसे कि और बहुत सारे हैं रियूनियन हुआ उन दे उनको अपने आप को डेवलप करना है तो वो ऐसे ब्लू बॉन्ड जारी कर सकते हैं और अपनी जो मारिन रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो समुद्री रिसोर्स है उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको और बढ़िया बना सकते हैं टूरिज्म प्रमोट करवा सकते हैं ऐसे बॉन्ड को जारी करके तो ब्लू बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है कि भाई समुद्री रिसोर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए पैसे कहां से आएंगे ब्लू बॉन्ड से आएंगे ब्लू बॉन्ड जब बेचे जाएंगे तो लोग उसको खरीदेंगे और जब लोग खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे दैट से इतनी सी बात है ब्लू बॉन्ड में अब इसमें वर्ल्ड बैंक बहुत मदद कर रहा है इस ब्लू बॉन्ड को जो है रेज करने में फॉरन मार्केट्स में पहुंचाने में ये सारा काम करेगा जो है आ, आपका वर्ल्ड बैंक तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमने डिस्कस किया आ, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं चीजें अगर समझ में आए तो नीचे बताइए हमको आ, कि ये चीजें आपको समझ में आई ठीक है थैंक यू सो मच ओके क्रिस्टल क्लियर थैंक यू सो मच चलिए अभी चलते हैं मूव करते हैं थैंक यू सो मच श्रुति आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इसमें से बहुत लोगों को मैं जानता हूँ एक्चुअली आप में से बहुत लोग भी नए हैं तो आप अगर ऐसे देखिए मैंने एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि ऐसे मैं ढेर सारे क्लासेस लेके आता हूँ इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक्चुअली मैंने एक सोचा कि मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा जो इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेट होगा और अब तक मैंने तीन क्लासेस लिए हुए इससे पहले मैंने तीन क्लासेस uh, जो है इन्वामेंट uh, पर भी लिए हुए हैं जिसमें मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट थे क्लाइमेट चेंजिंग से रिलेटेड वो सारे मैंने पढ़ाए हुए थे तो वो सारी चीज़ें अन अकेडमी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है और वो सारी चीज़ें आप अकेडमी यूट्यूब से जाके पढ़ सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि लिंक प्रोवाइड करूंगा आपको लेकिन अन अकेडमी यूट्यूब पर इन्वायरमेंट सेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं लेकिन आई आर वाली चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आपको अब नेक्स्ट क्लास के लिए अपडेट होना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लास मैं कब लेके आऊँगा किस टॉपिक पर लेके आऊँगा उसको अपडेट आपको पाना है तो आपको जो है हमारी जो जो पेज है सुधीर गुप्ता या अन अकेडमी डॉट कॉम स्ट सुधिस स्लाइस सुधीर ऑफिस लिखकर पेज को फॉलो कर लीजिए उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रह जाएगी वहाँ पर ठीक है तो अभी हम लोग आई पर फोकस हैं इससे पहले आई के बारे में पढ़ा उसके अलावा हमने मॉलदीप के रिलेशन के बारे में पढ़ा कुछ बेसिक थियरीज पढ़ी सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी पॉजिटिव लिबरलिज्म अभी तक मात्र तीन क्लास हैं आप तो पहले क्लास अच्छा कार्तिक कार्तिक से पूछ रहे हैं तो हम लोग अभी तक मात्र तीन क्लासेस किए हैं चौथा क्लास है ये और ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी मैंने बहुत सारी चीज़ शिड्यूल करके रखी है एक्चुअली मुझे रजिया का रिलेशन पढ़ाना है उसके अलावा हम तो आपने पढ़ लिया यू का रिलेशन पढ़ाना है यूरोप के साथ कैसे रिलेशन है वो सब पढ़ानी है मुझे एक्चुअली मैंने लिस्ट बना के रखा है ऊपर तो मैं वहाँ से देख रहा था एक्चुअली कि क्या क्या मुझे मुझे पढ़ानी है एक्चुअली ठीक है तो बहुत सारे रिलेशन मेरे टॉपिक्स तैयार हैं एक्चुअली बस टाइम जैसे परसू करेगा मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाते चला जाऊँ इंडिया जापान के बारे में पढ़ेंगे एक्चुअली इंडिया जापान के रिलेशन इतने अच्छे हैं कोई डिस्प्यूट आ नहीं रहा है इसलिए जो हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं यून ट्रिपल सी आ, का का बुआत ये क्या लिखा हुआ भाई कार्तिक ओके आप इनरोल कर लीजिएगा उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सर डोंट वरी यू एफ ट्रिपल सी के बारे में उन्होंने पूरे डिटेल पीएचडी किया हुआ था हम लोगों ने कब जब हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट के बारे में हमने आ, जो आईपीसीसी के बारे में पढ़ा यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में पढ़ा पेरिस क्यूटो से लेकर पेरिस तक और पेरिस से लेकर अभी जो पोलैंड uh, में जो मीटिंग होने वाली है यूएन ट्रिपल सी का वहां तक हमने चीजें पढ़ी और क्या क्या चीजें निकल के हैं क्या क्या आउटकम पूरी डिटेल में हमने पढ़ा और वो सारी चीजें अकेडमी यूट्यूब पर उपलब्ध है आप वहां से जाके देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है वो सारी चीजें उसमें से बायोडायवर्सिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन रह गया था उसको मैं कोशिश करूंगा कि एक आध दो दिन में उसको उसकी क्लास शेड्यूल करवाऊँ वो पोर्सन कंप्लीट कर दूँ ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके खैर मूव करते हैं और समझते हैं और क्या चीजें हमें जो डिस्कस करना है दो चीज़ें और बची हैं पहला स्ट्रिंग ऑफ पल्स मैं आपको बताऊं कि चाइना हम लोग देखें मैं बता रहा था कि आपको क्यों हम लोग ज़्यादा काउंटर करने देखिए तो चाइना लगातार अपनी कोशिश कर रहा है कि कैसे करके हम लोग जो इंडियन ओशन में अपना प्रभुत्व जमाएं और उसका ये उदाहरण है स्ट्रिंग ऑफ पल्स मोतियों की माला पॉलिसी देखिए यहाँ पे जिबूती है यहाँ पर आप देखिए इन्होंने आ, मालदीव के मराव जो एक जो जगह है एक आइलैंड है वहां पर इन्होंने अप, अपना नेबल बेस बनाने के लिए प्रपोजल रखा हुआ है तो ये भारत के नजदीक है तो उसके अलावा हमबन टोटा श्रीलंका में आप चिटगांव बांग्लादेश में देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान डेवलप कर पाकिस्तान में डेवलप करा रहा तो चाइना बना रहा है तो ये सब चीजें भारत को काउंटर करने के लिए चाइना बना रहा है स्ट्रिंग ऑफ वर्ल्स अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ओशन में ठीक है तो ये सारी चीजें कर रहे हैं इंपॉर्टेंट आईलैंड हैं जिनका जिनका मैंने जिक्र किया है काफी इंपॉर्टेंट है मालदीव वगैरह का तो आप इनका नाम याद रखिएगा अच्छा अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने कहा कि कुछ इनोवेटिव करते हैं क्या इनोवेटिव करते हैं इनोवेटिव करते हैं कि इन्होंने मोदियों की माला लेकर आए तो हम लोग डायमंड की माला लेकर आएंगे नेकलेस ऑफ डायमंड ठीक है चलिए ये ऑफिशियली है मैं बताऊं ये ऑफिशियल है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्स ये ऑफिशियल चीज है कि हाँ भाई ये ऐसा कुछ कर रहा है चाइना और चाइना भी इसको मानता है ठीक है हालांकि वो ये नहीं कहता कि हम भारत को काउंटर करने के लिए वो कहता है कि नहीं हम ट्रेड करने के लिए रीजन डेवलपमेंट करने के लिए और ये सारी चीजें करने के लिए कर रहे हैं

एलिगा उसके अलावा हमने देखा आ, आ, जो है आ, एक मेडागास्कर में जो मैं बता नहीं पाया ठीक है तो उस प्रकार की चीज़ें थी तो अब यहाँ पर सवांग देख सकते हैं इंडोनेशिया अजमसन देख सकते हैं चांगी सिंगापुर वियतनाम में भी हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जापान के साथ जो है आ, जापान के साथ भी हम लोग कुछ कर रहे हैं कि हाँ भाई इसके साथ एग्रीमेंट करते हैं और यहाँ पर भी हमारे साथ तो स्ट्रेटिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है हालांकि हमने अलायंस तो नहीं बनाया हुआ है जापान के साथ मैंने अलायंस और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिफरेंस बताया हुआ है उसमें क्या होता है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होता है अलायंस में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन होता है कि मतलब आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे जबकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता ठीक है नाटो जो है नाटो एक प्रकार का अलायंस है जिसमें यूएसए प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन टू नाटो कंट्रीज बट इंडिया और जापान जो है वो अलायंस है जिसमें जो है किसी प्रकार का स्ट्रेटजिक किसी प्रकार का अलायंस नहीं है कि हमेशा ये स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो ट्रेड वगैरह बढ़ाते हैं एक दूसरे तो जापान के साथ हम लोग मंगोलिया के साथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ करें चाबार पोर्ट ईरान जो आप जग जाहिर है जानते ही होंगे ठीक है उसके अलावा दक मान में हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग अब ये से आप देख सकते हैं कि हमने चाइना को काउंटर करने के लिए क्या इंडिया का नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी लेकर आए हैं तो उम्मीद करता हूं नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी आपको समझ में आई होगी ठीक है चलिए अब ये काउंटर करने के लिए चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार जो है वो इंडियन ओशन में प्रेजेंस बना रहा है और मैंने आपको बता दिया कि क्या जो है इंपॉर्टेंस है आपके इंडियन ओशन की ओके डन यहाँ पे ससल्स के बारे में जो अजमसन आइलैंड के है, उसी के बारे में कुछ स्लाइड दी हुई है कि हम लोग दो में गए और हमने जो है नहीं ऑफिशियल पॉलिसी नहीं इंडिया का इनडायरेक्टली अभी लॉन्च नहीं किया गया है डोंट वरी इसको मतलब अभी लॉन्च नहीं किया गया स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी पल्स के जैसा ठीक है खैर ये ससस के बारे में दिया हुआ है कि रिलुक करेंगे मतलब एजमसन आइलैंड को डेवलप करेंगे उसके बारे में कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि हाँ भाई टू कंट्रीज ने कहा कि हाँ एक बार बिल्ड करेंगे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड पे और वहां के जो बैरा वगैरह है उसको और अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो वही सारी चीजें देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले समझा दी एक्चुअली कि एजमसन आइलैंड का क्या महत्व है यहाँ से ट्रेड होता है जितना भी ट्रेड होता है ना ये माफ कीजिए गलत लाइन चली गई एक्चुअली यहां से ये ये वाला जो रूट है एक्चुअली पेन मेरा काम नहीं करता है और ये पता नहीं कैसे खैर ये जो रूट है यहाँ पर हम यहाँ पर क्यों नहीं चले जाते हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं चले जाते हमको यहीं पर क्यों चाहिए आइलैंड पर क्यों चाहिए एक्चुअली ये लोकेशन बहुत जबरदस्त है जितना भी ट्रेड होता है वो इस मेडागास्कर के इस रूट से होकर अगर यहां पर अपनी हमने कोई अच्छी नेवल बेस बना लिया अपना जो कोई बेस बना लिया तो हम निगरानी कर पाएंगे कि क्या हो रहा है चीजें कि कि किसकी बोट जा रही है किसका क्या जा रहा है कोई मिलिट्री बेस तो नहीं बना रहा है हमारा सामान सही से हमारे यहां पहुंच रहा है हमारा सामान दूसरे जगह एक्सपोर्ट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई पायरेसी तो नहीं हो जा रही इसलिए हमको यहीं पर चाहिए इसलिए हम लोग ज्यादा फ्रांस की तरफ नहीं बढ़ रहे लेकिन लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है अजनसन आइलैंड पा लेते हैं तो हमें री हमारा फ्रांस अच्छा दोस्त है तो री की भी मदद मिल जाएगी तो यहाँ रीजन इस रीजन में जो भी कुछ दिक्कत है तो उसको भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे और यहां पर भी कोई दिक्कत है तो इसको भी एक्सेस कर पाएंगे और हमने मॉलदीप के साथ हम लोग रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ अच्छा करेंगे तो इस प्रकार हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंप्रूव करें रिलेशन को खैर यहां पर हाँ लिख सकते हैं अनऑफिशियली मतलब ऐसा कहते हैं कि हाँ अभी ऑफिशियली लागू नहीं हुआ लेकिन अनऑफिशियली इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा है भारत ऐसी कोशिश कर रहा है और इस पर भारत लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली मैंने जो उसको लिया है एक्चुअली मैंने किसी आ, किसी इंपॉर्टेंट सोर्स से लिया है मैं मुझे एक्चुअली उसका सोर्स नहीं पता चल रहा है किस सोर्स से मैंने उसकी स्क्रीन क्लिपिंग करी है मैं देख लेता हूँ द ट्रू पिक्चर एक कोई आ, कोई साइट थी शायद मैंने वहाँ से लिया था एक्चुअली तो काफ़ी ऑफिशियल आप लिख सकते हैं इस प्रकार की चीज़ें करी करी जा रही हैं भारत के द्वारा उसके अलावा यहाँ पर एग्रीमेंट में झनसन आइलैंड के बारे में दिया हुआ कि हाँ इस पर रेजिडेंशियल बैरिकेड्स बनाएंगे और वहाँ की जो पुल जो वहाँ की फोर्स है उसको हम लोग जो है इम्प्रूव करेंगे उनको ट्रेन ट्रेनिंग देंगे टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे उनको जो है जो है, है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मिशन उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उनको विमान वगैरह प्रोवाइड करेंगे जैसे दो में हमने ड्रोनियर टू दिया इसी प्रकार जो है बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करें ताकि वो सर्विलांस वो बेहतरीन कर सकें ठीक है बेफॉरवर्ड में बेफॉरवर्ड में बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है बेफॉरवर्ड की बात करेंगे अभी लास्ट में हम लोग सब डोंट वरी एक्चुअली मैं बात बताऊं एक चीज जो मेरे से छूट गई थी वो ये कि सेसल्स का कहानी ऐसा है कि सेसल्स को कह सकते हैं कि वहां पर घर घर में टाटा है घर घर में टाटा यूज करते हैं लोग घर घर आप वहां की बसेस अशोक लेलैंड की जो है आप बसेस वहां पर आप देखेंगे ठीक है

Uh, मैंने टेली मेडिसिन वगैरह का उदाहरण आपको बता दिया कि किस प्रकार जो है टेली मेडिसिन सर्विसेस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा अब जो मैं एक लॉस कॉन्सेप्ट में बता के आपको आ, आ, जो है मैंने ये सारी चीज कंसर्न वगैरह तो आपको मैंने बता दी आपको मैंने आपको बताया कि किस प्रकार जो है चाइना का प्रेजेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है 500 पहले 2011 में जाते थे अब पंद्रह हज़ार जा रहे हैं 2016 में इतने ज़्यादा विजिट कर रहे हैं चाइना विजिटर तो मतलब ये समस्या का कारण है हमारे लिए कितना विजिट क्यों कर रहे हैं उनको क्या इसमें हित नहीं है उनका उसके अलावा क्यों सेसल्स डिनाई डिनाई कर रहा है कि हमको क्यों नहीं चाहिए मतलब आईलैंड पर भारत की मदद तो वो सब बातें हमने कर ली क्योंकि वहाँ के विपक्ष जो है विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको जो है एक्चुअली हम हम बीच में नहीं पढ़ना चाहते चाइना और भारत के ठीक है खैर तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको समझा दी इंपॉर्टेंस ऑफ सेसल्स ये भी मैंने आपको बता दिया अच्छा ये नहीं बताया मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ सेसल्स बहुत सारा इंपॉर्टेंस है कि पहली बात तो ये कि हम लोग बहुत बना सकेंगे अब तक जो हमने पढ़ा उससे आप इंपॉर्टेंस ऑफ सेसल्स निकाल सकते हैं पहली बात तो हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर कर सकेंगे इंडियन ओशन रीजन में अपने सामानों की उसके अलावा हम लोग जो है पहुंच बना सकेंगे जो है सेसल जैसे देशों में टूरिज्म प्रमोट होगा वहाँ पर इंपॉर्टेंट सोर्स है टूरिज्म का तो इसलिए वो हमको अप्रोच करेंगे ठीक है इसलिए जो है हम लोग वहां पर जाएंगे और वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज काफी सारे मात्रा में है तो उनको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे ठीक है वहाँ पर भारतीय लोग रहते हैं ठीक है उसके अलावा मेडागास्कर से जो भी हमारी चीजें आएंगी उसको हम लोग सही से अपने यहाँ पहुंचा सकेंगे आ, उसके अलावा जो ब्लू इकॉनमी का भारत का कॉन्सेप्ट है उसको मजबूत करने के लिए ससल्स हम को हमको जरूरत है अभी ब्लू इकॉनमी की बात हम लोग अलग से करने वाले हैं आईटी कंप्यूटर एजुकेशन फार्मास्यूटिकल को हम लोग वहाँ पर पहुँचा सकेंगे जिससे हमारा ट्रेड डेवलपमेंट होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन्होंने हमको मदद की तो वहाँ पर हम वो वोटिंग चाहिए तो हमको सशक्स की मदद चाहिए और बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसके आप लिख सकते हैं अब तक जो हमने पढ़ा उससे ठीक है बहुत सारे पॉइंट है चीजें मतलब लिख सकते हैं ना कोई दिक्कत तो है नहीं मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी क्या कोई दिक्कत है मुझे ज़रा इन्फॉर्म कीजिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नो इशू चलिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नेहल ऑल क्लियर बहुत बढ़िया चलिए अभी अब समझ लेते हैं एक जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली बात यह है कि पता नहीं होता वरना बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ब्लू इकॉनमी और ब्लू वाटर इकॉनमी में क्या डिफरेंस है मुझे आप में से किसी को पता है कि ब्लू इकॉनमी ब्लू वाटर इकॉनमी में क्या डिफरेंस है किसी को पता नो चलिए चलिए मैं बताता हूँ चलिए मैं बताता हूं जस्ट डोंट वरी लिखना बंद कर दीजिए मैं बताता हूं आपको ब्लू इकॉनमी ब्लू इकॉनमी एक ब्रॉड टर्म है ठीक है ब्लू इकॉनमी में दो चीजें यूज की जाती हैं पहला सस्टेनेबल दो बातों का ध्यान में रखा जाता है पहला सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेस दूसरा इकॉनमिक ग्रोथ इकॉनॉमिक ग्रोथ करेंगे यहां पे लिखा हुआ ब्लू इकॉनमी का डिफिनेशन लिखा हुआ यहां पे द ब्लू इकॉनमी इज अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओसनिक रिसोर्सेज के रिसोर्स का सस्टेनेबल यूज है फॉर इकॉनमिक ग्रोथ तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ एक टर्म आ गया और सस्टेनेबल यूज दूसरा टर्म आ गया तो दो चीजें हैं सस्टेनेबल यूज ऑफ ओसेनिक रिसोर्स फॉर इकॉनमिक ग्रोथ टू इंप्रूव लिवलीहुड जॉब एंड ओसेनिक इको सिस्टम ठीक है sustainable use इसको बोलते हैं ब्लू इकॉनमी ब्लू इकॉनमी सस्टेनेबल यूज है ओसेनिक रिसोर्सेज का इकॉनॉमिक ग्रोथ के लिए अजीबिका के इंप्रूव करने के लिए जॉब के लिए और ओसेनिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए दैट इज ब्लू इकॉनमी तो दो चीजें हैं सस्टेनेबल यूज करेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे लेकिन अब सस्टेनेबल यूज कैसे करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर लेंगे भाई विंड एनर्जी बना लेंगे हम लोग वाटर एनर्जी हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी टाइडल एनर्जी इन सबका यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेंगे तो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमने प्रोड्यूस कर लिया तो ये ब्लू ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है हमने फिशरीज को यूज किया लेकिन सस्टेनेबल मैनर्स में यह नहीं कि पकड़ के पूरा सारा खत्म कर दिया ऐसा नहीं है हम लोग उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे यानी कि एक ही बार में सब चली जाएं डीप सी माइनिंग की कोशिश करेंगे डीप सी फिश माइनिंग की कोशिश करने की कोशिश करेंगे ठीक है मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट बढ़ाएंगे ठीक है मैरी टाइम ट्रांसपोर्ट एक प्रकार का रिन्यूएबल ट्रांसपोर्ट माना जाता है बहुत ज्यादा रिन्यूएबल तो नहीं है लेकिन काफी सेफ माना जाता है क्लीन ना माना जाता है चीप भी रहता है काफी हद तक वेस्ट मैनेजमेंट का के लिए भी यूज करेंगे ताकि जो है जो आप कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को डंप कर सके उसके अलावा बहुत सारे वेस्टेज उसको आप डंप डंप कर सके क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की डंपिंग का सबसे बेहतरीन सोर्स होता है ओशन ठीक है टूरिज्म को प्रमोट करेंगे ब्लू इकॉमी में ठीक है तो ये सारी चीजें हैं मतलब सस्टेनेबल यूज करेंगे करेंगी रिसोर्स का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ठीक है अब इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आपको करना है तो आप टूरिज्म को प्रमोट करेंगे उससे इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे अपना ठीक है वेस्ट मैनेजमेंट करवाएंगे दूसरे देशों का भी तो उससे भी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे मेरी टाइम ट्रांसपोर्ट उससे भी आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और लोगों को जॉब मिलेगी तो ये सारी चीजें हैं ब्लू इकॉनम में ब्लू वाटर इकोनॉमी में एक चीज हटा दीजिए क्या चीज हटाना है ब्लू वाटर इकॉनॉमी में आपको हटाना है कंजर्वेशन ठीक है संरक्षण इसमें क्या होता है कि यहां पे जो लिखा सस्टेनेबल यूज सस्टेनेबल यूज को हटा देते हैं मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आप रिसोर्स का जितना यूज कर पाइए उतना यूज करिए दैट इज ब्लू वाटर इकॉनमी ठीक है तो ब्लू वाटर इकॉनमी में क्या है कि हम लोग जो ओसनिक रिसोर्स है उसके क्षरण का ध्यान नहीं रखते उसके कंजर्वेशन का नहीं ध्यान रखते हैं उसको उसके जो उसका जो सस्टेनेबल uh, यूज है उसका ध्यान नहीं रखते जितना मिल जाए उतना हम लोग एक्सपार्ट कर लेंगे दैट इज ब्लू वाटर इकॉनमी ठीक है ठीक है हाँ एक तरीके से एक्सप्लाइट करना ही है ठीक है तो ये हो गया ब्लू वाटर इकॉनमी इसमें इकॉमिक ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं लेकिन सस्टेनेबल यूज का ध्यान में नहीं रखते हैं दैट इज ब्लू वाटर इकॉनमी ठीक है इसमें भी फिशरी जो है एक्सप्लोरेशन ट्रेड ठीक है ये सब करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन सस्टेनेबल यूज नहीं करते कि यार फिशिंग कर रहे हैं तो माइनिंग फिशिंग का ध्यान है। नहीं जितना फिश है उसको सब उड़ा लिया वहां से ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या ऑयल स्पिलिंग होगी तो ऐसे ही छोड़ दिया ठीक है लीगल इलीगल की इसमें कोई बात नहीं है एक्चुअली कि लीगल है क्या इलीगल है एक्चुअली कोई कहने वाला भी नहीं होता है ब्लू वाटर इकॉनॉमी अब देखिए भारत में क्या होता है कि चाइना चाइना क्या कर रहा है चाइना एक्चुअली क्या कर रहा है ब्लू वाटर इकोनॉमी पॉलिसी थोड़ी फॉलो कर रहा है ब्लू इकॉमी ब्लू वाटर इकॉमी फॉलो कर रहा है एक्चुअली ब्लू इकॉनॉमी फॉलो नहीं कर रहा है एक्चुअली वो वो बस जैसे कैसे जैसे कैसे करके फिशिंग प्रमोट कर रहा है जैसे करके एक्सप्लॉइट कर रहा है जैसे करके ट्रेड कर रहा है वो स्पलिंग हो जाती है तो उसका ध्यान नहीं रखता अभी बहुत सारे देश हैं चाइना ही नहीं एक्चुअली मतलब बहुत सारे देश हैं अभी ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पर ऑयल स्प्लिंग हो गई तो क्या कोई ध्यान रखा ठीक है नहीं ध्यान रखा अभी जो आ, कोल वाला जो एक्सप्लाटेशन की बात चल रही थी एक्चुअली मुझे याद आ रहा है अंबानी का ही शायद केस था वो आ, वो ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे अच्छा अडानी हाँ एक्चुअली अडानी वाला केस था तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ पर कोल माइनिंग कर रहे थे तो वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया कि यार नहीं आप नहीं कर सकते क्योंकि उससे ग्रेट बैरियर रिप प्रभावित हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार की चीज़ें हैं आप ऐसे उदाहरण याद रखिए जो उसने रिसोर्सेज को प्रभावित करते हैं जो आपके ब्लू इकॉनमी को प्रभावित करते हैं आपको हमेशा ब्लू इकॉनमी को अच्छा दिखाना है ब्लू वाटर इकॉनमी को बुरा दिखाना है नहीं डब्ल्यू इंटरफेयर जो है करता है जब करेगा जब देखिए मैंने जब आपको डब्ल्यू के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू तब अब इंटरवीन करता है जनरली जब असेंबली के जो स्टेट्स होते हैं जो देश होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इस प्रकार की चीज़ें और आवाज़ उठाई जाती है फिर वो उस टाइप की चीज़ें अगर कोई अकेला अकेला देश को, कोई ऐसा करता है तो शायद नहीं मतलब हो पाता है मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते खैर तो ये ब्लू इकॉमी ब्लू वाटर इकॉमी के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने समझ लिया तो ये सारी चीज़ें हो गई बे फॉरवर्ड में जाएँ तो कुछ चीज़ें हम लोग ध्यान में रख सकते हैं जैसे हमने 100 मिलियन क्रेडिट लाइन की बात करी तो हम कह सकते हैं कि और थोड़ा और बढ़ाइए ताकि जो पॉजिटिव इंपैक्ट है भारत का वो लोगों के ऊपर वहां के लोगों के ऊपर और पड़े जो चाइना का फेस है लोगों के अंदर वहां के लोगों के अंदर बताइए कि चाइना वाकई हम टूटा जैसा हाल करता है कि आप पैसा नहीं चुका पाते तो फिर वो लीज पर ले लेता है निन्यानवे निन्यानवे साल का आपकी सॉलिनेटी को समाप्त कर लेता है तो वो बातें उनके अंदर इंकल्केट करना पड़ेगा आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा ठीक है आपकी अपनी पॉजिटिव छवि बनानी पड़ेगी हालांकि नेपाल बांग्लादेश के कारण आपकी पॉजिटिव छवि प्रभावित हुई समसन आइलैंड के कारण आपकी पॉजिटिव छवि थोड़ी प्रभावित हुई उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको कोशिश करना है कि आपकी जो छवि खराब हुई है वो छवि फिर से निखर के आए ठीक है उसके अलावा आप फ्रांस के साथ भी बगल में फ्रांस है यूनियन आइलैंड मैंने आपको बताया तो उसके साथ भी आप एग्रीमेंट करके जो है इंडिया फ्रांस सेसल्स एक ट्राई एग्रीमेंट कर सकते हैं जो आप आपके जो है जो है एग्रीमेंट्स को और बूम कर सकता है आपकी सिक्योरिटी को बूम कर सकता है आपकी प्रेजेंस को बूम कर सकता है ठीक है आपके ट्रेड को बूम करवा सकता है तो फ्रांस के साथ भी मदद लीजिए वे फॉरन में कहना है कि हाँ भाई फ्रांस के साथ आप मदद ले सकते हैं लेकिन बिग ब्रदर का रोल मत अपनाइएगा जैसा आपने नेपाल के साथ किया है चाइना बहुत ज़्यादा जो है हार्ड कंट्री टाइप का सॉफ्ट रूफ आपको अपनाना पड़ेगा उनके लोगों के अंदर आपको विश्वास जताना होगा आपके वो जो वहाँ पे विपक्ष जो विरोध कर रहा है जनसन आइलैंड में उसको उसके अंदर आपको विश्वास जलाना होगा कि नहीं हम आपकी मदद के लिए आए हैं आपको एक्सप्लाइट करने के लिए नहीं आए हैं ठीक है ठीके? और वहाँ की और हमने बहुत सारी मदद कर रहे हैं हमको और बढ़ाने की जरूरत है जैसे टेली मेडिसिन वगैरह को और प्रमोट हॉस्पिटल वगैरह बनाइए अभी जो हमने काम लिया एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने काम लिया है उसको टाइम पे ख़त्म कीजिए बहुत बड़ा इशू है भारत के साथ टाइम पे काम नहीं ख़त्म कर पाते हम तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक बहुत चैलेंज है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है भारत को एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके भारत सॉल्व करे उसके अलावा लगातार इंडियन आ, 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 वो बात सही है जैसा चाबा चाबार में बहुत टाइम लगा विक्रम एक्चुअली एक्चुअली चाबार को डेवलप करने में बहुत टाइम लगा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं बाद में ले लिए जाते हैं मालदीव के रिलेशन में मैंने बताया कि प्रोजेक्ट दिए गए और ले लिए गए जस्ट बिकॉज कि हम लोग स्टार्ट ही नहीं किए ठीक है तो ऐसा नहीं करना है सागर इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करके रखा हुआ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन इनिशिएटिव उसके बारे में लोगों को अवेयर करना है लोग उसके बारे में जाने उसके बारे में अपडेट हों और लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो जो देश हैं वो सागर इनिशिएटिव के अंतर्गत आएँ उसके बेनिफिट्स आप बताइए तो एक सागर इनिशिएटिव को और प्रमोट करने की जरूरत है एक्चुअली बहुत कम लोग जानते हैं सागर इनिशिएटिव के बारे में तो उसे भी और प्रमोट करिए यही सारा बे फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको इंडिया ससल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी आपके कॉन्सेपचुअल क्लियरिटी जो लगभग चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था आपको चीज़ें समझ में आई होंगी अगर आपको लगता है कि कोर्स बेनिफिशियल है ऐसे कोर्सेस लाए जाने चाहिए तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उसके अलावा आप रेटिंग प्रोवाइड कीजिएगा कोर्स को जितना आपको लगे कि कोर्स बेनिफिशियल है उस हिसाब से रेटिंग प्रोवाइड कीजिएगा आप मेरे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी पर सुधीर गुप्ता लिखेंगे या अन अकेडमी डॉट काम स्लाइस सुझे स्लाइ सुधीर ऑफिशली भी लिखेंगे मेरा फोटो याद रखिएगा क्योंकि सुधीर गुप्ता नाम से और बहुत सारे लोग हैं मेरा पहले नाम था सुधीर ओमनाथ इस पर था टेक्निकल कारण से उसको हटाना पड़ा आप सुधीर ओमनाथ भी सर्च करेंगे तो मेरा ही पेज सामने निकल के आएगा ठीक है तो मे बी श्रुति मिलेंगे हम लोग ज़रूर हम लोग और कोर्सेज लेके आएंगे थैंक यू सो मच बजरंगी थैंक यू सो मच पदमाकर थैंक यू सो मच चांदनी और सब लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत पार्टिसिपेशन किया आपने एक्टिव पार्टिसिपेशन ऐसे क्लास करने में मज़ा आता है आप देखिए कि हमने तकरीबन एक घंटा तकरीबन चौदह मिनट बिता दिए और बिना किसी रुके हुए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ तो ये संभव है आप लोगों की वजह से कि आप लोग जब एक्टिव पार्टिसिपेशन रखते हैं तो मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ सामने वाले सुनने वाले अच्छे हैं देखने वाले अच्छे हैं उनको पता है चीज़ें बताना मुझे कैसे वो ऑटोमेट एनर्जी आते बहुत सारी चीज़ें मैं तैयार करके नहीं आता हूँ एक्चुअली वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने एडिशनली एड किया पी के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ फेसबुक पे जाना है फेसबुक पेज पर पे। दो पी एक पी डी लोड है एक पीरियड में अभी तुरंत अपलोड कर रहा हूँ दोनों पी आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो चीज़ें उसमें ऐड नहीं वो चीज़ें इसमें मिल जाएंगी आपको गुड नाइट थैंक यू सो मच